नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एफआरआई देहरादून में 14 ट्रेनी अधिकारियों को हुआ कोरोना। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की महिलाओं को कुंभ के मुख्य पर्व दिवसों पर उत्तराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की दी सौगात, साथ ही की नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन करने की घोषणा। प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग ने तैयार की कार्य योजना। जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए लीफ ब्लोअर का करेंगे उपयोग। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी शाही स्नान पर्व से पूर्व कुंभ ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एम ऋषिकेश 24 घंटे उपलब्ध कराएगा मेडिकल सुविधा। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने को देखते हुए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में 14 ट्रेनी अधिकारियों के कोरोना संक्रमित की जानकारी मिली है, जिसके बाद एफआरआई को नागरिकों के लिए अगले 10 दिनों तक बंद कर दिया गया है। वन अनुसंधान की संस्थान की कुलसचिव नीलिमा शाह ने बताया कि ट्रेनी अधिकारियों के संक्रमित होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से आधे मॉर्निंग वॉक और परेड को प्रवेश को वर्जित किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित अधिकारियों को आइसोलेट किया गया है। संक्रमण न फैले इसके लिए जरूरी उपाय करते हुए पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के केसेस परिसर में पाए गए हैं। 14 केसेस कैसफोर्स इंस्टीट्यूट में आए हैं, जो हमारे ही परिसर में ये इंस्टीट्यूट है। और इसकी इसको देखते हुए हमने विजिटर्स और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में जो विजिटर्स आते हैं उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। 10 दिन के पूरे इंस्टीट्यूट का जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और सबको सैनिटाइज किया जा रहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की महिलाओं को कुंभ के मुख्य पर्व दिवसों पर उत्तराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सौगात दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर हरिद्वार आने वाली महिलाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आवाजाही निःशुल्क रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में आयोजित हो रहे पूर्णागिरी मेले में भी आने वाली महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन करने की घोषणा की है। इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 70 गांव के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने मुख्यमंत्री को ग्रामीणों की परेशानियों से अवगत भी कराया था। प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग ने अन्य राज्यों की तर्ज पर कार्य करने की योजना बनाई है। दरअसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ में जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए लीफ ब्लोअर का उपयोग किया जाता है। साथ ही आसमान से जंगलों पर निगरानी रखने में ड्रोन की मदद ली जाती है। अब वन विभाग ने भी इसी तर्ज पर कार्य करने के लिए राज्य संकट मोचक निधि SDRF से आग की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में शामिल 442 क्रूज स्टेशनों के लिए एक एक लीफ ब्लोअर का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें 240 रेंजों के लिए एक एक ड्रोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। बता दें कि लीफ ब्लोअर का ट्रायल वर्ष 2017 में राजाजी नेशनल पार्क में सफल रहा था। लीफ ब्लोअर से एक घंटे में 1 किलोमीटर फायर लाइन की सफाई करने के साथ ही नई फायर लाइन काटी जा सकती है।
राज्य के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी के अनुसार वर्तमान स्थितियों में लीफ ब्लोअर काफी कारगर साबित हो सकता है। वहीं वन विभाग के अनुसार पिछले अक्टूबर से अब तक प्रदेश में 2071 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। इसी अवधि में प्रदेश में आग लगने की 1545 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक राज्य में 54,38,886 रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। वनाग्नि से संबंधित सूचनाओं के लिए वन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी शाही स्नान पर्व से पूर्व कुंभ ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों और प्रशासन की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आए पुलिस कर्मियों को हरिद्वार कुंभ में उनके दायित्वों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शाही स्नान के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं और संतगणों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से कुंभ मेले में 15,000 लोगों का सुरक्षा बल तैनात किया गया है, साथ ही 5,000 स्वयंसेवक भी विभिन्न स्थानों पर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था आज रात से लागू हो जाएगी, इसलिए प्रत्येक पुलिस कर्मी का दायित्व है कि यातायात व्यवस्था का पालन कराएं। जो फोर्स है 15,000 प्लस है, और अगर स्वयंसेवक भी मिला ले तो 20,000 के लेवल पहुंचना है। और कोरोना को के लिए तो यही है कि जितना जिस सीमा तक पालन हो सकेगा उतना कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेगा। वहीं आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने बताया कि हरिद्वार कुंभ को देखते हुए कल से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। यातायात व्यवस्था बनाने के लिए हरिद्वार में कई जगह रोड डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा के संबंध में ब्रीफिंग की गई है। जो ट्रैफिक का प्लान है, यद्यपि 8 तारीख की शाम से ही ड्यूटी लगेगी, लेकिन 9 तारीख से हम लोग ट्रैफिक को स्टेप बाय स्टेप डाइवर्जन स्टार्ट करेंगे। और जो हैवी व्हीकल्स है वो 9 तारीख को सुबह से हैवी व्हीकल्स नहीं चलेंगे, और जिस तरह से भीड़ का प्रेशर रहेगा उस हिसाब से डाइवर्जन प्लान को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एम्स ऋषिकेश 24 घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा शाही स्नान पर्वों पर आपदा की स्थिति से निपटने के लिए भी एम्स ऋषिकेश में डिजास्टर वार्ड और आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। व्यवस्थाओं को परखने के लिए आज एम्स निदेशक प्रोफेसर रवि हरिद्वार के बैरागी कैंप में बने सेक्टर चिकित्सालय का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ में किसी प्रकार के उपचार के लिए एम्स द्वारा ALS और BLS एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। जरूरत पड़ने पर गंभीर किस्म के रोगियों को एम्स पहुंचाकर तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2400 घंटे सेवारत डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। ये सेक्टर अस्पताल जो बैरागी कैंप में है, ये एम्स के द्वारा चलाया गया है। ये 50 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें डॉक्टर्स के रुकने की जगह है, नर्सेस के रुकने की जगह है, अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं, और सीरियस मरीज होगा उसको इवैक्यूएट करने के लिए ALS और BLS एम्बुलेंस भी। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मधुर मियाल ने बताया कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एम्स में आईसीयू बेड और ऑपरेशन थिएटर रिजर्व रखे गए हैं। साथ ही सेक्टर चिकित्सालय में भी सभी आवश्यक मेडिकल सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार में कोई कमी न रहे। कुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में एक आधुनिक मेला स्वास्थ्य कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों एवं बढ़ते कोरोना के मामलों के आंकड़ों को संग्रहित किया जाएगा और प्राप्त डेटा के आधार पर जिला प्रशासन को रिपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ ही मेला स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है। मेला कंट्रोल रूम हमने बना रखा है, जिसमें कि एक टोल फ्री नंबर है, और कोई भी श्रद्धालु किसी को भी अगर हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, ये मेला कंट्रोल रूम मेडिकल हेल्थ है, तो उसके लिए वो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये एक बार में 10 लाइन हमारी चलेंगी इसमें
और 10 जो कॉल ऑपरेटर हैं वो बैठेंगे, वो कॉल रिसीव करेंगे यहाँ पे, और अगर उनकी समस्या का निस्तारण उनके स्तर से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको सुपरवाइज करने के लिए उनसे ऊपर हमारे चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर बैठे होंगे, वो उनकी समस्या का निस्तारण करेंगे। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी HB चंद ने बताया कि उप निर्वाचन के लिए 197 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिनमें 100 पोलिंग पार्टियों को कल और 97 पोलिंग पार्टियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी बनाए गए हैं। अगर पोलिंग के दिन कोई कार्मिक बीमार या आने में असमर्थ होता है तो उसके लिए अतिरिक्त टीम की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक 4 सदस्य हैं, एक पीठासीन अधिकारी हैं और 3 पोलिंग ऑफिसर्स हैं। तो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, VVPAT की ट्रेनिंग दी जा रही है, EVM की ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स भी इस प्रशिक्षण में शामिल हैं। वहीं कार्मिक प्रशिक्षक कपिल नयाल ने बताया कि उप निर्वाचन की प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। हर मतदाता को मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे, साथ ही हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को एक एक कर ही मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हर मतदान केंद्र को वेबकास्ट से जोड़ा गया है। 80 वर्ष के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र में मत डालने की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। अब ऐसे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दे सकेंगे। हमारे जो लगभग आधे केंद्र हैं, उनमें वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था है, यानी कि उनके जो पूरी कार्रवाई है उसका जो उसकी वीडियोग्राफी भी की जानी है और वो वीडियोग्राफी जो है कंट्रोल रूम से और फिर जिला निर्वाचन कार्यालय से और राज्य निर्वाचन कार्यालय से और भारत निर्वाचन आयोग तक जो है वो कार्रवाई की रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। कि 80 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं, जो कोविड से पीड़ित जो मतदाता हैं और जो विकलांग यानी कि दिव्यांग जो मतदाता हैं, उनके लिए घर घर जाकर जो है हमारी टीम्स बनी है कुछ, वो घर घर जाकर जो है उनसे पोस्टल बैलेट लेके आएंगी। तो यह एक विशेष प्रोविजन इस बार जोड़ा गया है। उधम सिंह नगर जिले में गेहूं की खरीद के लिए 5 केंद्रों को और बढ़ाया गया है। अब जिले के 163 सरकारी केंद्रों में गेहूं की खरीद होगी। इसके साथ ही खसरे की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। अब सारे खरीद से संबंधित दस्तावेज ई पोर्टल अपलोड कर दिए गए हैं। नोडल अधिकारी खरीद जगदीप पाल ने बताया कि जिले में इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार की सूचना है, इसे देखते हुए गेहूं खरीद केंद्रों को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी भंडारण के साथ ही 4.5 लाख क्विंटल भंडारण क्षमता के प्राइवेट भंडारण गृह भी चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से खरीद का भुगतान तय समय पर करने के लिए अग्रिम 25 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की है, जिससे गेहूं खरीद के बाद अब उन्हें भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसान बंधुओं की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, कुछ उनकी तरफ से इनपुट समय मिले, जैसा कि केंद्र में खसरे की नकल की आवश्यकता और ई पोर्टल में प्रति हेक्टेयर का उत्पादन का कम दर्शाया जाना। इस समय मैं बताना चाहूँगा कि खसरे की नकल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने SDM स्तर से जो सूची प्राप्त हुई थी उनके बोए गए क्षेत्रफल के आधार पर उसको ई पोर्टल में अपलोड कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी है। इस बार जो खरीद कराना है 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा और 25 करोड़ रुपया इस आशय से रिलीज भी किया जा चुका है और ये पूरी उम्मीद है कि यथासंभव 1 सप्ताह में खरीद का भुगतान किया जा सकेगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, FRI देहरादून में 14 ट्रेनी अधिकारियों को हुआ कोरोना। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की महिलाओं को कुंभ के मुख्य पर्व दिवसों पर उत्तराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की दी सौगात, साथ ही की नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन करने की घोषणा। प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग ने तैयार की कार्य योजना,
जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए लीफ ब्लोअर का करेंगे उपयोग। और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी शाही स्नान पर्व से पूर्व कुंभ ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को एम्स ऋषिकेश 24 घंटे उपलब्ध कराएगा मेडिकल सुविधा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। और याद रखें कोरोना को हराना भी है और अपने टाइम आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगाना है।